हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए आप सभी को चिकन चिली की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये मैंने लगभग 1 केजी चिकन लिया है। इसको बहुत अच्छे से धो के छोटे छोटे पीस में कट करके मैं मार्केट से ही मंगवाई हूँ और इसको अच्छे से धो कर मैंने डाला है। ये देखिए मेरा 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, इसको मैंने इसमें डाला। अब देखिए मेरा ये इतने बड़े साइज का बड़ा स्पून है, इस पर मैं ये 1 स्पून इसमें मैं कॉर्न स्ट्राच मिला रही हूँ। देखिए मैंने 3 टीस्पून कॉर्न स्ट्राच मिलाया है। फिर देखिए मैंने मेरा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने विनीगर ऐड किया, 2 टेबल स्पून मैंने विनीगर ऐड किया। देखिए फिर मैंने चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का पाउडर यूज कर रही हूँ। और इसमें आप कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च का जो पाउडर होता है उसको ऐड कीजिए, जितना आपको मन करे। ऐसे तो ये बस 1 टीस्पून से ही हो जाता है, कलर आ जाता है इसका। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, 3 टीस्पून डाल रही हूँ। मैंने रिफाइंड यूज 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, इसमें डाल दीजिए। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अनुसार डालते रहिएगा। ऐसे थोड़ा सा सॉल्ट हल्का ही डालिएगा क्योंकि फिर थोड़ा सा ग्रेवी में डालना रहता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको कम से कम मैरिनेट होने के लिए 1/2 to 1 hour के लिए इसको ढककर अच्छे से, देखिए कितना अच्छा अभी ये चिकन का धीरे धीरे कलर आता चले जा रहा है। अगर आपको ग्रेवी वाली चिकन चिली बनानी है तो इस प्रोसेस को ज़रूर ये करें और इससे बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट वाला जो स्वाद आएगा। मैं अभी इसका सॉस जो बनाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी, इसके सॉस बनाने की प्रोसेस। देखिए खूब अच्छे से इसको हर तरफ से इसको मिक्स कर दीजिए। मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ कि स्पून से करने से कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पीस जो होता है वो छूट जाता है, फिर फ्राई करने में ना वो सही से नहीं हो पाता और थोड़ा सा टेस्ट भी उसका मुंह में अटपटा लगता है। इसलिए कम से कम इसको अच्छे से मिक्स होना ही बहुत ज़रूरी है। और इसको आप छोड़ दीजिए मैरिनेट होने के लिए, मिनिमम 30 मिनट्स to 45 मिनट्स तो ज़रूर ही छोड़िए। उसके बाद आप अपना हो गया, अब इसको अच्छे से कवर करके और इसको छोड़ दीजिए। फिर मैं बता रही हूँ आपको इसका सॉस बनाने का रेसिपी। चिली सॉस पानी जो लें एकदम ठंडा लें, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर या फिर हल्का बॉयल, क्योंकि जो स्टार्च जो होता है ना उसमें लम्स नहीं पड़नी चाहिए। तो इसमें आप 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डाल दें। देखिए कॉर्न स्टार्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर इसमें देखिए मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और सोया सॉस जो है वो अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिए, ऐसा नहीं कि बस 1-2 चम्मच, वैसे नहीं, कम से कम
चार पांच स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कीजिए, और जो जो आप ऐड करते जाते हैं फिर मिक्स करते जाइए। इस तरह से बनाने से जो आपका जो चिली का जो टेस्ट आएगा ना, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर ये कहिए कि रेस्टोरेंट से भी अच्छा आएगा। देखिए मैं इसमें सोया सॉस मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। देखिए 1-2 स्पून चिली सॉस भी आप थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन चाहिए। देखिए 2 टीस्पून मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया। अब देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें, देखिए इसको सबको आप अच्छे से कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ये सब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। देखिए मैंने इसमें टोमेटो सॉस जो है वो इसमें मैंने 4 टीस्पून ऐड किए हैं। देखिए इसको मिक्स करके आप इसको भी थोड़े देर के लिए रेस्ट ऑन करने के लिए छोड़ दें। अब देखिए अब जो है मेरा कढ़ाई को एकदम हाई फ्लेम पे रखिए, ताकि कढ़ाई जो है खूब अच्छे से गर्म हो गई है, और इसको स्मोकिंग पॉइंट पे ला के रखना है। कढ़ाई को जो है स्मोकिंग पॉइंट पे रखिए, देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा, पहले इसको हाई फ्लेम पे रखिए और स्मोकिंग पॉइंट पे आने दे। जब ये स्मोकिंग पॉइंट पे आ जाएगा तब इसका फ्लेम जो है लो कर दीजिए, मीडियम पे रखिए, क्योंकि चिकन को है हम लोग को ग्रेवी में सिंघाना नहीं है, पकाना नहीं है, इसलिए हमको उतना अच्छे से फ्राई करना है कि चिकन का हर एक पार्ट जो है वो खूब अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए अब ये हो गया है, खूब अच्छे से चिकन का हर एक पार्ट पक गया है। अब आप इसको निकालिए और फिर मैं इसका ग्रेवी तैयार करने का बता रही हूँ। देखिए अभी मैंने चिकन फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें पहले डाल रही हूँ ये कटिंग गार्लिक है। गार्लिक जो है ना वो अच्छी क्वांटिटी में डालना है। उसके बाद ये देखिए मैंने जिंजर डाला है ना, फिर इसमें देखिए प्याज डालिए, और ये है मेरा कैप्सिकम, और फिर अच्छे से ये सारा मैंने डाल दिया। और अब इसको जो है देखिए खूब अच्छे से फ्राई करना है। रुको रुको दे रहे बेटा, 1 मिनट। देखो क्योंकि चिकन मेरा 1 केजी है, इसमें मैंने प्याज प्याज वाज ये सब की क्वांटिटी मैंने थोड़ा किसी को नहीं बोल रहे बेटा, इससे ज़्यादा प्याज लाल करने पे प्याज का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, इससे ज़्यादा लाल प्याज को ना करें। ये देखिए मैं अब इसमें जो मैंने सॉस बनाया था अच्छे से हिला कर डालें, क्योंकि जो कॉर्न स्टार्च जो है वो नीचे बैठ जाता है। देखिए हाँ रुक जा बेटा, गोदी आओगी तो अभी रुक जा, ले रहे हैं तुमको अपना गोदी हम। देखिए
इतना अच्छा ये कुक्ड हो गया है रेस्टोरेंट। ये देखिए मैंने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया। फ्लेम को कम करें नहीं तो सॉस हो जाएगा आपका कम टूट जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और देखिए मेरी एक नंबर रेस्टोरेंट वाली चिकन चिली बनकर रेडी हो गई है। देखिए कोई भी रेसिपी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हर चीज़ का रेशियो। आप कितना भी हम यूट्यूब में दिखाएं, वीडियो में दिखाएं, बट उस बनाने का एक अपना रेशियो खुद से ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपके पास क्या क्वांटिटी में आपका चिकन है, क्या है, वो खुद से आप डिसाइड कीजिए, तब जाके एकदम परफेक्ट बनेगा। कितना नमक डालना है, कितना ये डालना है, ये खुद से डिसाइड करने से इतना अच्छा कलर, इतना अच्छा अरोमा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा इसका है, नो डाउट। अब इसको मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको मैं अब फटाफट सर्व कर रही हूँ। ओके बाय।